तो कैसे आप सब, और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। अभी बस थोड़ी देर पहले इस वीडियो बनाने के मैं YouTube देख रहा था, और देखते देखते मुझे एक वीडियो का आइडिया मिला। वो आइडिया मिला है मुझे आईबी भाई से, और वो आइडिया को मैंने पहले भी देखा था लेफ्ट बर्स के चैनल पे। काफी सिमिलर सा आइडिया है। इसमें हम बेब्लेड्स के लेवल्स लगाते हैं, मतलब लेवल 1 से लेवल 20, और एक बेब्लेड को उन सारे लेवल्स के साथ टेस्ट करते हैं, मतलब उन सारे बेब्लेड्स का टेस्ट करते हैं। तो आज आईबी भाई ने बर्स प्रिगन का टेस्ट किया था, और ये चीज लेफ्ट बर्स ने भी की थी बहुत पहले। अभी भी वो करते हैं, उसमें अलग अलग लेवल्स रहते हैं जिसमें स्टेडियम चेंज हो जाते हैं, और वो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना सबके फैन फेवरेट डियाब्लो नेमेसिस, जो कि बहुत ही ज्यादा फैन फेवरेट बेब्लेड है, उसके साथ ये किया जाए। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है, डियाब्लो नेमेसिस कितने लेवल्स क्लियर कर पाते हैं, और अगर डियाब्लो नेमेसिस एक बेब्लेड को नहीं हरा पाता तो हम उसको 2 चांस देंगे, उसके बाद नहीं। तो चालू करते हैं, फर्स्ट बैटल इज 3-2, और ये स्टेडियम लिया है क्योंकि इसमें नॉकआउट्स होते नहीं है, तो इसके लिए इसमें ज्यादा घनघोर लड़ाई होगी। थ्री, फर्स्ट है फ्लेम सेजिटेरियो। 3-2-1, हो जाए शुरू। डियाब्लो नेमेसिस क्या ये फ्लेम सेजिटेरियो को भी नहीं हरा पाएगा? अगर ये नहीं हरा पाया तो मैं वीडियो सही में फिर एक ही मिनट का रखूंगा, और फिर ये ऐसा होगा कि डियाब्लो, व्हाट अ शेम, डियाब्लो नेमेसिस चीपेस्ट बेब्लेड ऑफ ऑल टाइम। अगर ये फ्लेम सेजिटेरियो को नहीं हरा पाएगा इस, तो बहुत बड़ा लॉल हो जाएगा इस वीडियो का, और कोई बात नहीं, पर मैं वीडियो अपलोड करूंगा। बट नहीं गाइज, ये फ्लेम जजेटर के सामने जीत गया है और लेवल 1 क्लियर हो गया है। चलिए बढ़ते हैं लेवल 2 की ओर। लेवल 2 है रॉक लियोन। 3-2-1, हो जाए शुरू। अरे भाई साहब, रॉक लियोन बाहर चल दिए। 3-2-1, हो जाए शुरू। ये भाई रॉकियन को काट दिया डियाब्लो नेमेसिस ने। नेक्स्ट लेवल है लेवल 3, वो है लाइटनिंग एल्ड्रैगो के साथ। उसके लिए मुझे लेफ्ट लॉन्चर की जरूरत है, और मेरे पास लेफ्ट लॉन्चर रेडी है, तो कोई बात नहीं। डियाब्लो नेमेसिस को आप अटैक टाइप में डालेंगे क्योंकि ये बेब्लेड स्टेडियम में रहने वालों में से है नहीं, तो डियाब्लो नेमेसिस को भी अटैक टाइप में रहना चाहिए, वरना फिर क्या मतलब। 3-2-1, हो जाए शुरू। डियाब्लो नेमेसिस पूरी कोशिश करते हुए, देखते क्या होता है अगर। ओ भाई गाइस, यस, डियाब्लो नेमेसिस ने लेवल 3 भी क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट बारी है स्टॉर्म कैप्रिकॉन की लेवल 4 के लिए। एक्चुअली लाइटनिंग एल्ड्रैगो लेवल 4 आना चाहिए था, स्टॉर्म कैप्रिकॉन लेवल 3, बट ठीक है, कोई बात नहीं। 3-2-1, हो जाए शुरू। ये कैप्रिकॉन को तो काट ही दिया पहले, इसमें इसकी मटन कैप्रिकॉन बिरयानी। कैप्रिकॉन है क्या? वो मटन नहीं है, वो बकरी थोड़ी है, कोई बात नहीं, कुछ तो है। नेक्स्ट है हमारा वल्कन हरुशियस, मेरा काइंड ऑफ फेवरेट मेटल फाइट बेब्लेड। 3-2-1, हो जाए शुरू। आपको रिकॉइल बहुत मजबूत देखने मिला क्योंकि मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं। अभी तक 1, 2, 3, 4, 5 लेवल्स क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट लेवल है ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर। 3-2-1, हो जाए शुरू। मैं पावर को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूं, आज पूरी ताकत लगा रहा हूं। और स्प्रिंग लॉन्चर का एक टेक्निक होता है, आप जितना उसको ढंग से खींचोगे उतना वो पावर जनरेट करेगा। देखते हैं क्या ये लेवल पार होती है या ये हार में बदल जाती है। ओ नहीं गाइस, यहाँ पे डियाब्लो नेमेसिस जीत गया है। इस लेवल का हम राउंड पार्ट भी नहीं करेंगे इसको लेफ्ट में डाल के, क्योंकि वो बहुत टाइम पास हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल है गाइस मीटियो एल ड्रैगो। मीटियो एल ड्रैगो गोल्डन वर्जन मेरा, जिसको स्पिन स्टील
मेरा मतलब वो स्पिन स्टील का बादशाह ही है मेरे हिसाब से। तो 3 2 1 हो जाए शुरू। क्या डियाब्लो नेमेसिस पहले बाहर गया मुझे पता नहीं चला एक्चुअली कुछ, तो ठीक है एक बार री कर दे। अगर वो हार गया रहेगा तो कोई बात नहीं, बट मुझे समझा नहीं वो बैटल के इसमें, और मैं अभी वीडियो पॉज करके देख भी नहीं पाऊंगा, तो कोई बात नहीं। 3 2 1 हो जाए शुरू। कोई बात नहीं गाइस, इसको हम री कर देंगे। डियाब्लो नेमेसिस को हम वापस चांस देंगे यहाँ पे, क्योंकि हाँ क्योंकि वो डियाब्लो नेमेसिस है, अगर उसको चांस नहीं देंगे तो किसको चांस देंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, अगर वो हार जाता है तो उसको चांस मिलेगा। 3 2 1 हो जाए शुरू। सेल्फ केयर, एक सेकंड, इसको हम नॉर्मल मोड में डालते हैं जिसमें ये स्टेडियम में रहे और हमें वीडियो करने का मौका दे। 3 2 1 हो जाए शुरू। डियाब्लो नेमेसिस रियल में भी यही हुआ था, रायु का एब्जॉर्ब नहीं कर पाया था डियाब्लो नेमेसिस को, और आई मीन एनीमे में भी यही हुआ था, डियाब्लो नेमेसिस एब्जॉर्ब नहीं कर पाया था। नेक्स्ट है अर्थ ईगल, बहुत ही जाने माने फेमस बेबलेट। 3 2 1 हो जाए शुरू। मैं कसम से ताकत लगा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, इससे ज्यादा कसके मैंने आज तक ताकत नहीं लगाई है। मुझे नहीं देखना डियाब्लो नेमेसिस को हारते हुए, और शायद यहाँ पे ये हार जाए। इसके पास वैसे भी 2 चांसेस है हर बेब्रेड के सामने, तो हाँ वो सस्पेंस साइलेंस सब कुछ हो रहा है। डियाब्लो नेमेसिस स्लो होते हुए, आपको आगे आगे लेवल्स बहुत खतरनाक है, अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ जाएगा, मजा आ जाएगा। और तीगल यहां पे स्टैमिना खेलते हुए, ओ भाई, और डियाब्लो नेमेसिस गाइस लास्ट चांस है अब डियाब्लो का। 3 2 1 हो जाए शुरू। हिट्स तो गाइस बहुत लगे हैं, क्या ये जीत हार में बदल सकती है, क्या ये जीत हार में बदल सकती है, क्या ये हार जीत में बदल सकती है, क्या बोल रहा हूं, क्या ये हार जीत में बदल सकती है। और दीगर के पास बहुत ज्यादा स्टैमिना है गाइस, शायद डियाब्लो नेमेसिस यहां पे लुढ़क जाए। ओ गाइस डियाब्लो नेमेसिस नहीं क्लियर कर पाए यहां पे लेवल, कितना 1 2 3 4 5 6 7 7 लेवल पे गाइस डियाब्लो नेमेसिस अटक गए हैं। आपको लेवल्स आगे के देखने हैं तो यार लेवल 20 पे हमारे बादशाह बैठे हैं, ये खतरनाक कॉम्बो, तो यार ये कॉम्बो तक डियाब्लो नहीं पहुंच पाए, पर आपके खुशी के लिए मैं ये कॉम्बो का एक बैटल करवाता हूं। 3 2 1 हो जाए शुरू। क्या डियाब्लो ने मुझे सीधा लेवल 20 हरा सकता है, नहीं मेरे हिसाब से तो नहीं हरा सकता, बट हाँ वीडियो के लिए मैं कर रहा हूं। चिथड़े उड़ रहे हैं थोड़े थोड़े, नहीं गाइस डियाब्लो नेमेसिस ये नहीं कर पाएगा। तो यार डियाब्लो नेमेसिस फाइनली हार मान चुका है, और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में,
तब तक के लिए टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।